नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायत संशोधन कानून बनाया है जिसमें महिलाओं को कुल 50% पदों तक ही सीमित कर दिया है, बाकी 50% पदों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक है, देश के किसी भी राज्य में ऐसा कानून नहीं है, जबकि हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी तरीके से ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत संशोधन कानून को लेकर महामहिम राज्यपाल को एक पत्र लिखकर इस कानून को रद्द कराने की मांग की है। पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार को पंचायत संशोधन कानून में सेक्शन 9 के अंतर्गत भाग 3 में महिलाओं के लिए केवल 50% पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 50% पदों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, जो असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर सकती हैं, लेकिन अन्य 50% सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से सरकार नहीं रोक सकती। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए रिजर्व सीटें चुनाव लड़ने के लिए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति व जनजातियों को जनरल सीटों पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा व जजपा पार्टी ने जानबूझकर ये गलत कानून पारित किया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ये मामला जाते ही इस कानून पर रोक लगेगी। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव सही समय पर नहीं हो पाएंगे। करण सिंह दलाल ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार गांवों में विकास नहीं कराना चाहती है। पंचायत चुनाव में देरी के कारण ग्राम पंचायतों को विकास के लिए राशि नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने गलत कानून बनाकर संविधान की अवहेलना की है। सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण तक सीमित कर महिलाओं के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। भाजपा का अहंकार साफ झलक रहा है। सरकार के मन में मजदूर किसानों के प्रति बेईमानी है। सरकार नए कृषि कानूनों को लागू कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। ये प्रेस वार्ता इसलिए आज मैंने की है कि मैंने महामहिम राज्यपाल जी को एक पत्र लिख करके ये मांग की है कि जो पंचायत संशोधन कानून हरियाणा में बनाया गया है जिसमें 50% महिलाओं को एलोकेशन के नाम पर पहली दफ़ा पूरे देश में, हरियाणा एक ऐसा राज्य साबित हुआ है जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से महिलाओं को केवल 50% पदों तक उनको सीमित कर दिया, बाकी 50% पदों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। तो ये असंवैधानिक है। जो इस संशोधित कानून में सेक्शन 9 का 3 भाग में जो इन्होंने किया है ये वो कानूनी तौर पर गलत है, असंवैधानिक है, क्योंकि 50% महिलाओं का आरक्षण राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन उनको और 50% में जाने से राज्य सरकार या कानून की कोई प्रक्रिया उन्हें नहीं रोक सकती। जिस तरीके से जो अनुसूचित जनजाति के जो चुनाव होते हैं उन्हें अपने रिजर्व चुनाव से लड़ने की इजाज़त है तो वो जनरल में भी लड़ सकते हैं, वही कानून हरियाणा में भी महिलाओं के ऊपर लागू होता है कि अपने रिजर्व हलकों से महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जो रिजर्व नहीं है वहाँ भी महिलाओं को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी और JJP ने ये शरारत की है और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये गलत कानून उन्होंने पारित किया है ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाते ही इस कानून के ऊपर रोक लगेगी। हरियाणा के अंदर होने वाले पंचायत के चुनाव सही समय पर नहीं हो पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो गांवों के विकास के लिए पंचायत चुनावों के बाद पैसा देना होता उस पैसे को ना दे करके ये हरियाणा के गांवों के लोगों की तरक्की नहीं चाहते और महिलाओं का भी एक झूठा मुखौटा 50% उनको आरक्षण देने का इन्होंने जो ढोंग किया है वो सही मायनों में महिलाओं के प्रति अन्याय है और संविधान की इन्होंने अवहेलना की है। और इसके लिए आने वाले दिनों में जो हरियाणा के महिलाएं हैं या देश के हरियाणा के जो कानूनविद हैं वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जाकर के इस कानून को चुनौती देंगे और कानूनी तौर पर ये जो अधिसूचना है ये नहीं हो पाएगी हरियाणा में। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में सही समय पर पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं और इसीलिए मैंने महामहिम को ये कहा है कि आप इस कानून को रद्द करें और नया अध्यादेश लेकर के आएँ जिसमें 50% महिलाओं का आरक्षण हो लेकिन बाकी 50 में भी उन्हें लड़ने से
नहीं रोका जा सकता, तो इस गलत कानून को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये सब लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ, MSP की मांग को लेकर। पलवल में भी लगभग 37 दिन हो गए हैं, भूख हड़तालें भी चल रही हैं, और आज जो मीटिंग हो रही है उससे पहले कृषि मंत्री का बयान आता है कि कृषि कानूनों की मांग के अलावा, जो रद्द करने की मांग के अलावा, किसान और प्रस्ताव लेकर आए मीटिंग में, तो क्या कहोगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो उनकी बातों में साफ तौर पर झलक रहा है। उनके मन के अंदर जो किसान मजदूरों के प्रति बेईमानी है वो साफ तौर से झलकती हुई नज़र आ रही है, और यही कारण है ये जो 3 कानून बनाए गए ये किसान मजदूरों के हक में नहीं बनाए गए। इन कानूनों को बनाने के पीछे अंबानी और अडानी का हाथ था, और इसमें अरबों खरबों रुपयों का लेन देन हुआ है। वो लोग ज़मीनें खरीद चुके हैं, गोडाउन बनाने की तैयारी हो चुकी है, पैसा कमाने के सारे जो भी इसमें ज़रूरतें थी उनको पूरा किया जा चुका है। तो कृषि मंत्री जी आए दिन कोई ना कोई नया जो झूठ और गलत बयानी करते हैं, उनका इरादा यही है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, और देश के सभी लोगों की मांग ये है कि इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून किसान और मजदूर के हक के कानून नहीं। फिर बार बार तारीख की तारीख क्यों दिए जा रहे हैं सरकार किसान बातचीत करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, जो इनके पास बेईमानी से कमाया हुआ जो अरबों खरबों रुपया है, और गैरकानूनी तरीके से इनकम टैक्स, ED, पुलिस बल और दूसरे सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके ये समझते हैं कि मीडिया और जो किसान नेता हैं, जो हमारे आढ़ती भाई हैं, या जो और लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, उनको डराने में, धमकाने में, उनकी जुबान को चुप कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बन चुकी है, और मोदी सरकार को इन 3 काले कानूनों को वापस लेना होगा, और जितना जल्दी हो सके वापस ले लें उतना ये एक अच्छी बात इनकी मानी जाएगी।